जिन कैंडिडेट ने रूरल एरिया से 10th और 10+2 दोनों ही की हुई है, उन्होंने सर्टिफिकेट बनाना है, फॉर्मेट दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये आप खुद भी देख सकते हो, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें से एनेक्स्चर 5 है, सर्टिफिकेट फॉर रूरल एरिया के लिए, टू होम इट में टू होम सो एवर इट में कंसर्न सर्टिफाइड दैट डैश सन डॉटर ऑफ श्री डैश, ओके, तो आपका नाम आ जाएगा, आपके पापा का नाम आ जाएगा, ठीक है, आपके विलेज का नाम आ गया, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, आपके स्कूल का नाम फुल आ गया, फुल नाम आने से आपने कितने टाइम से कितने टाइम तक है ना किस सेशन में की हुई है, एग्जैक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लीविंग ऑफ स्कूल कॉलेज टू बी गिवन एज पर रिकॉर्ड, जो उस स्कूल में गिवन है वो स्कूल वाले देख के, आपको भी पता होगा शायद याद होगा, नहीं तो वो अपने रजिस्टर को देख के यहाँ पर आपकी डेट जो है लिख देंगे, ठीक। पास्ट 10th एंड 12th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया पंजाब, नीचे सिग्नेचर है हेडमास्टर के प्रिंसिपल ऑफ स्कूल विद सील स्टैंप लगेगी और काउंटर साइन बाय डीओ और सरपंच, इन केस ऑफ रूरल एरिया कैंडिडेट द सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइन बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर स्कूल एफिलिएटेड फॉर स्टेट बोर्ड एंड, ये बात है कि जो पंजाब स्कूल के है ना, यहाँ पर लिखा है रूरल एरिया सर्टिफिकेट काउंटर साइन स्कूल एफिलिएटेड स्टेट बोर्ड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हो तो आप डीईओ के पास जाओगे, ठीक है, जो सीबीएसई और दूसरा बोर्ड है, पंजाब स्टेट बोर्ड नहीं है, सेंटर का बोर्ड है, वो सरपंच कौन से सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल वाले, तो ये थी रूरल एरिया के सर्टिफिकेट की जानकारी, इसको दोनों में ही डाल दूंगा, इसके बारे में कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, खुद प्रॉस्पेक्टस देख के आप इसकी वर्डिंग ले सकते हो, थैंक यू।